दीवार की तरफ मुड़ करके बुढ़ापे में बैठे होते थे और बोलते थे कि मैंने अपने पूरे परिवार को एक तख्ते पर बैठा कर समुद्र में छोड़ दिया है, पता नहीं डेरे गए या डूबे। भगत सिंह के चाचा चौहान सिंह की जेल में मृत्यु हुई। एक चाचा अजीत सिंह को देश निकाला हो गया। जिस घर में भगत सिंह पले उसमें एक विधवा चाची है जिसके पति आजादी की लड़ाई में जेल में बलिदान हुए। एक ना विधवा है ना सधवा है, पति तो है लेकिन देश निकाला है। भगत सिंह के पिताजी सरदार किशन सिंह कभी अंदर होते थे कभी बाहर होते थे। आज मैं मदीना गांव से आया हूँ। मदीना गांव के लोगों ने बताया कि उस जमाने में किसानों की मीटिंग लेने के लिए वो मदीना गांव में आए थे। वहाँ सही भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण करके मैं आ गया। और उस सारे वातावरण में से भगत सिंह बनते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, परिवार की इतनी बड़ी लड़ाई के बाद जब देश आजाद होने को है, अजीत सिंह वापिस आ जाते हैं और जब देश आजाद होने का सप्ताह है तो उन दिनों में वो डलहौजी में है और उनको पता चलता है कि उनका इलाका पाकिस्तान में चल रहा है। और इसके कारण से सरदार अजीत सिंह 15 अगस्त 1947 को सुबह इस देश की आजादी के लिए जीवन खपाया था, वो अपना जीवन छोड़ देते हैं। डलहौजी के लोग 15 अगस्त दोपहर में सरदार अजीत सिंह का संस्कार करते हैं। कभी मौका मिले तो शांता कुमार जी उनकी भव्य समाधि पंचकूला में बनाई है डलहौजी के पास, उस वीर को नमन करते हैं। यहाँ बहुत कुछ छिपाया गया है। यहाँ केवल उस समय राजनीति करने वाले लोगों पर ऐसे आरोप लगे कि ये चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, ये चाहते तो शायद चंद्रशेखर नहीं जाते, किसी से मिलके आते और थोड़ी देर बाद चंद्रशेखर आजाद का बलिदान हो जाता है। और उनके बलिदान के 24 दिन बाद ये तीन साथी फांसी के फंदे पर लटका दिए जाते हैं। इतना पाप किया ये नहीं है, पाप ये है कि इस देश के लाखों बलिदानियों के इतिहास को छुपा दिया गया। ये देश ऐसा बनाया गया कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से चढ़ो और राजीव गांधी एयरपोर्ट से उतर जाओ, देश के सामने नहीं आने दिया। आप तो पढ़े लिखे हैं, देश का इतिहास और देश की बहुत सारी जानकारी रखते हैं। आप में से कितने ऐसे हैं जो वाइपर ठाकुर को जानते हैं? झांसी की रानी की सेना के 200 सैनिकों को सबसे पहले काला पानी के लिए लेकर गया। वहां कोई जेल नहीं थी, एक टापू है वाइपर टापू नाम का, जहां जहरीले वाइपर नाम के सांप होते थे, वहां उनको छोड़ दिया गया। शायद हमारे मामी के इलाके से लोग आते होंगे। 7-7 लोगों को पीठ से और पैर से सांप बांध दिया जाता था कि तैर कर नहीं चले जाए। पूरा दिन कर्म वही साथ में करना होता था। बाद में वहां एक महिला जेल बनी, एक पुरुष जेल बनी। वो महिला कौन थी क्या देश जानता है? 736 लोगों का दूसरा जहाज भाई पर काबू पे कराची से भर कर गया, क्या देश उनको जानता है? वहां एक फांसी घर है, 79 लोगों को एक दिन उस फांसी घर में फांसी दी गई, क्या देश उन 79 लोगों को जानता है? December 1943 का भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। क्या आप जानते हैं 30 दिसंबर 1943 क्यों महत्वपूर्ण है? हम तो सब पढ़े लिखे अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, दिल्ली में बात कर रहा हूं मैं, किसी हरियाणा के गांव में बात नहीं कर रहा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को नेताजी सुभाष चंद्र की आजाद हिंद फौज ने आजाद कराकर भारत का पहला स्वतंत्र भारत का ध्वज और प्लेयर ने 30 दिसंबर 1943 को फहराया था। सेलुलर जेल को तोड़कर
उसका कब्जा लेकर। लेकिन भारत के इतिहास में सब तिथियां छुपा दी गई, क्योंकि फिर 15 अगस्त 1947 को फहराने वाले का फोटो का इश्यू का नाम लगने लगा। आदरणीय प्रधानमंत्री ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाने का निर्णय किया, मुझे उसके लिए पूरे देश से लोहा और मिट्टी इकट्ठा करने का काम मुझे सौंपा था। उसका इस काम के लिए जब मैं हैदराबाद गया तो हैदराबाद के लोगों ने मुझे कहा कि हमें बहुत आनंद है आप सरदार पटेल के स्टेच्यू के लिए लोहा और मिट्टी लेने के लिए आए हो, अगर सरदार पटेल नहीं होते तो आपको यहाँ वीजा और पासपोर्ट के साथ आना पड़ता। हम 15 अगस्त 1947 को आजादी हुई और 24 सितंबर 1948 को आजाद हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को जब हमने आजादी की बात की, झंडे फहराए तो हम पर घोड़ा पुलिस छोड़ दी गई थी और जो हम पर यातनाएं हुई थी उनको शायद हम कभी भूल नहीं पाए। जब मैं इसी काम के लिए गुवाहाटी गया, नॉर्थ स्टेशन लोगों से मिला, उन्होंने कहा कि गोपीनाथ बारमोले नहीं होते और सरदार पटेल नहीं होते तो यहाँ पे आपको वीजा और पासपोर्ट नहीं। आज हम भारत का भी अंग है तो इन दो नेताओं के कारण है। कांग्रेस का नेता उसने कांग्रेस नहीं। देश के विभिन्न एयरपोर्ट के स्थानों के नाम आने शुरू हुए तो सरकारें बदलने के बाद आने शुरू। मैं हरियाणा सरकार में मंत्री बनने के बाद जब पहली बार 26 जनवरी का उद्बोधन करने के लिए रोहतक में आया तो उस समय खड़े होकर मैंने सभी शहीदों से माफी मांगी थी कि आपका नाम हमने विस्मृत किया है, मैं एक सरकार के मंत्री के नाते आप सबसे क्षमा। और मैंने ये वादा किया था कि इस काम को उजागर करने के लिए जितने भी लोग हमारे प्रदेश में आएंगे किसी भी रूप में वहां के शहीदों के नाम को उजागर करेंगे, हरियाणा सरकार उसके लिए धन की कमी नहीं आने देगी। और मैंने 20 लाख रुपए डिप्टी कमिश्नर को दिए थे कि आप अपने पास रखिए, जो भी इस काम के लिए आता जाए उस काम के लिए आप कहीं भी कोई भी काम करेगा उस काम के लिए। बहुत बड़ी वीर कथा है, एक छोटी बात में मैं सबका वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन एक बात और बताकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। मैं हरियाणा में पंचायत मंत्री भी हूँ और हमने फैसला किया है कि हर गांव में हम ग्राम लोगों पर लगाएंगे। 30 जून तक 6,500 गाँव है, हर गांव में एक ग्राम रोहपट लगेगा और ग्राम रोहपट के पहले फलक पर उस गांव के सभी शहीदों का नाम होगा। उसके दूसरे फलक पर आजादी के सेनानियों का नाम होगा, लेकिन जिनके जो उनको शहादत नहीं मिली लेकिन लंबा जीवन जिया लेकिन आजादी की लड़ाई का हिस्सा थे। उसके तीसरे फलक पर खिलाड़ियों का नाम होगा क्योंकि हम खिलाड़ियों की भूमि भी है। और चौथे फलक पर दानवीरों का और चारनामियों का नाम होगा। 30 जून तक हम ये सभी हरियाणा के हर गांव में ग्राम रोहपट लगा देंगे। इसी का एक अनुभव साझा करते हुए बात थोड़ी आगे बढ़ाता हूँ। मेरे गांव का ग्राउंड फ्लोर रोहपट लगा, मैं 10वीं तक गांव में पढ़ा। मेरे गांव के फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस विनर है रिजल्टार रतन सिंह, देखना 23 सितंबर 1918 100 साल हो रहे हैं उनकी शहादत को। उनको मैं जानता था क्योंकि तो इतना नाम था उनका, तो बचपन से सुनते आए। दो कारगिल के समय शहीद हुए उनको भी मैं जानता था कि उस समय मैं युवा हो गया था। लेकिन जब ग्राम रोहपट बना और मैं उसका अनावरण करने गया तो उस ग्राम रोहपट पर 19 शहीदों के नाम है। इनको गांव ने किस्मत कर दिया था, गांव की नई जनरेशन से ध्यान रही थी। 6 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हैं, 5 सेकंड वर्ल्ड वॉर के हैं, 5 आजाद हिंद फौज के हैं, एक भारत के विभाजन के समय की लड़ाई का है,
बाकी 61-65 के कारगिल के दौरान जैसे ऐसे हमने तय किया है, ऐसे एक भी बलिदानी को हम निष्पर्क नहीं होने देंगे, उसका गौरव उसके गांव में ग्राम लोग करेंगे। मैं आपके बीच में ये निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे नायकों को जिनकी तेजस्विता, क्योंकि भारत की तेजस्विता किसी से कम नहीं है, कई बार मुझे ऐसा लगता है एकदम सुलगती हुई आग के ऊपर कुछ गीले गोशे रख दिए हैं, वो सुलगती हुई आग को दबा नहीं देते और गीले गोशों से तेज होने के करीब हो सकता। इसलिए रामधारी दिनकर की वो पंक्तियां मुझे बार बार याद आती हैं, तुमने दिया देश को जीवन, देश को जीता देगा। अगर सिंघारे को सुखदेव की समाधि पर हुसैनी वाला में मिट्टी का टुकड़ा उठा कर देखो, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आंख तेज करने को नाम तुम्हारा देगा। इस देश की समस्त तेजस्विता, इस देश का समस्त बलिदान अगर इस देश के पब्लिक डोमेन में, इस देश के लोक मानस में, इस देश की चीती में लाया जाए तो मेरे देश से बहादुर दुनिया में कोई देश नहीं। महामहिम राज्यपाल यहाँ उपस्थित है, हमारे कुलपति भी यहाँ उपस्थित है, जो भी उसके लिए व्यय होगा किसी भी हिस्से में होगा हम करने के लिए तैयार हैं। इतनी बात कहकर अपनी बात पूरी करता हूँ।